गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ गुआकटा के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में प्रोफेसर डॉक्टर निरंकार राम त्रिपाठी ने बताया कि यह बैठक पुरानी पेंशन बहाली के लिए की जा रही है, जो कि प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालय पर आयोजित हुई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय हैं, वहां पर बायोमेट्रिक लगने का हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक को समय में नहीं बांध सकता है। हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का प्रहरी होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर निरंकार राम त्रिपाठी ने कहा, आज की यह बैठक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है। फुफुक्ता के आह्वान पर, जो हमारा प्रदेश का संगठन है शिक्षक संघ का, फुफुक्ता के आह्वान पर यह पुरानी पेंशन बहाली की बैठक है, जो प्रदेश भर में सभी विश्वविद्यालयों पर यह बैठक, ये धरना आयोजित हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाली और बायोमेट्रिक का विरोध, क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक जो है, शिक्षक को आप टाइम में नहीं बांध सकते। हम 8 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं। शिक्षक की घंटी 8:50 से चालू होती है, बायोमेट्रिक की एंट्री 10 बजे होती है, बताइए। तो हम मांग करते हैं बायोमेट्रिक को वापस किया जाए। सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि हमारी पुरानी पेंशन, बुढ़ापे की लाठी को बहाल किया जाए। जो सांसद और विधायक पुरानी पेंशन लेते हैं और हम लोगों को, हमारे बुढ़ापे की लाठी को इस सरकार ने छीना है। मैं इस बुढ़ापे की लाठी को, पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता हूँ।